गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग अब पढ़ेंगे वैद्य द्विध्रुवी की सहायता से निरक्षीय स्थिति में वैद्य क्षेत्र की तीव्रता। ओके, निरक्ष का मतलब होता है बेटा जब दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, मतलब काटें। तो पहले किसकी हेल्प से कहा गया है वैद्य द्विध्रुव, तो वैद्य द्विध्रुव बनाओ। ये हम लोगों ने वैद्य द्विध्रुव बना दिया। वैद्य द्विध्रुव बनता कब है, जब हमने कहा था एक माइनस का होगा दूसरा प्लस, दोनों के बीच की डिस्टेंस टू ए, इसका मध्य बिंदु ए, और इनके बीच से एक हमने परपेंडिकुलर यदि ड्रा कर दें, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस माने वो हम क्या मान लें आर, राइट। तो ये हमारा एल्टीट्यूड होगा और ये हमारा एल्टीट्यूड होगा। तो यदि ये हमारी ए है, ये हमारी आर है, तो ये क्या होगा बेटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो याद रखिए ये हमारा क्या होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फला फला। ओके, अब इंटेंसिटी जैसे निकल रही थी, इसकी एक इंटेंसिटी ऐसे जाएगी तो ये ऐसे आएगी, तो इसको मानोगे इवन तो इसको मानोगे, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा बेटा। तो क्यों ना हम इतने डायग्राम को बाहर ब्रेक कर लें, तो ब्रेक कर लें। ना कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, तो ये हमारा रिजल्टेंट ई, तो ये हमारा हॉरिजेंटल होगा क्योंकि इस पे एंगल बन रहा है, तो इवन कॉस थीटा, ये क्या होगा इवन कॉस थीटा, ये क्या होगा बेटा इवन साइन थीटा, ये क्या होगा ई टू साइन। अब हमको रिजल्टेंट ज्ञात करना है, तो ई बराबर इवन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस। अब एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर हमने हॉरिजेंटल पॉइंट्स पे ही क्यों ज्ञात कर लिया, वर्टिकल पे क्यों नहीं ज्ञात कर लिया। तो हमने ये तो बताया नहीं कि एंगल हाईएस्ट बनाएगा, यानी मेजरमेंट एंगल्स लो भी बना सकता है यहाँ पर, यानी जीरो डिग्री बना सकता है। अब यदि हम साइन जीरो की बात करेंगे तो फिर इंटेंसिटी फाइंड नहीं हो सकती, इसलिए हम ये बात करेंगे। तो देखिए अब निकालेंगे प्लस, अच्छा प्लस क्यू चार्ज, तो ई वन बराबर याद करो ई बराबर क्या होता था, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो आर यहां से यहां तक की दूरी क्या हमारी, ये है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बाहर निकल के आ जाएगी तो क्या आ जाएगी, सिमिलरली इसी प्रकार हम माइनस क्यू चार्ज के लिए निकालेंगे। बड़ा दूरी है तो दोनों के बराबर है, जब हमारा E1 E2 का मान निकाल आएगा तो पुटिंग दीज इन इक्वेशन फर्स्ट, अब इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों सेम टर्म है हमारे, तो ये ऐड हो जाएंगे। इतना करने के बाद हमको अब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, फंक्शन हमारा सब कुछ तो ठीक है, बट ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि कॉस थीटा कहां से करें इवैल्यूएट। तो देखो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा होगा आधार बटे क्या पढ़ा था कर्ण,
यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अकॉर्डिंग टू क्या डायग्राम, तो आइए डायग्राम में, तो डायग्राम में यदि देखा जाए तो हमारा ये राइट ट्रायंगल है, क्या है राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में ये क्या हमारा बेस और ये क्या हमारा हाइपोटेन्यूज, ये क्या हमारा बेस, ये पर तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए बटे अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं ए बटे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 1/2। तो बेटा ई बराबर, इसे हमने सेकंड पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, टू कॉस थीटा का वैल्यू है क्या है स्क्वायर रूट स्क्वायर की होल पावर 1/2। देखो ये और ये दोनों बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, ये वन बाय टू, तो क्या हो गया 3/2। ओके अब सोचो आर टू ए, आर तो हमारा लेस था जब ए छोटा था ना, मतलब टू ए, तो टू ए से ए क्या होगा और स्मॉल, ए स्क्वायर को क्या कर दोगे सूच मानकर छोड़ दोगे, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई हमारी जीरो। फंडामेंटल क्या आया था, ये था ए स्क्वायर को हमने क्या कर दिया सूच मान लिया, यानी उसकी वैल्यू क्या हो गई जीरो। और एक बात सुनो, ये क्या वैल्यू होगी बेटा, आपने पढ़ा होगा क्यू इंटू टू ए इक्वल क्या होता है पी, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये और ये कैंसिल, न्यूटन पर कूलम। ओके